नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप सुन रहे हैं महाकवि भर्तृहरि लिखित वैराग्य शतक। क्या सुंदर, क्या अनुपम कृति है। सबके लिए तो नहीं है, ये तो बड़ी ही सिद्ध बात है, लेकिन जो इसका आनंद ले रहे हैं उनको परमानंद की प्राप्ति होती है। चलिए देखते हैं अगला श्लोक। यत्रानेके क्वचिदपि ग्रहे तत्र तिष्ठत्ययैको। यत्रानेके क्वचिदपि ग्रहे तत्र तिष्ठत्ययैको। यत्राप्येकस्तदनु बहवा तत्र चान्तेन चैकः। इत्थं चैमो रजनी दिवसौ दोलयन द्वाविवाक्षौ। कालः काल्यासह बहुकलः क्रीडति प्राणिसारैः। भैया, ये काल जो है ना, समय की समय होत बलवान, हम दो वीडियो पहले उसको देख चुके हैं, उसी काल के बारे में कह रहे हैं। ये जो समय है ना, ये मृत्यु के साथ खेल खेलता है। इन्होंने चौपड़ बिछा रखी है, दिन और रात रूपी काले और सफेद रंग के दो पासे हैं इनके पास। समय उन पासों को फेंकता है और मृत्यु उन पासों को फेंकती है। फिर इस संसार में क्या होता है, सत्य तो यही है, हम इंतजाम भले 100 वर्षों का करें, चाहे हम अंबुजा सीमेंट की स्ट्रेंथ लेके आए, चाहे भैया कोई से भी सीमेंट की स्ट्रेंथ लेके आए, लेकिन जीवन का सत्य तो यही है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली, हमें कुछ पता नहीं। तो कहते हैं यत्रानेके क्वचिदपि ग्रहे तत्र तिष्ठन्त्ययैको। जहां जो घर भरा पूरा था, बहुत सारे लोग जिस घर में रहा करते थे, आज कोई नहीं, एक व्यक्ति रह गया। अब विचार कीजिए कि भरे पूरे घर में अगर कोई रहा हो ना, और अगर वो अकेला रह जाए, तो ये उसको मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड मिला है, ये आप मान के चलिए। यानी इससे बड़ी तो कोई सजा हो नहीं सकती उस व्यक्ति के लिए। और जिस घर में एक ही व्यक्ति था, समय का खेल है, वहां पूरा घर भर गया, पत्नी बालक रिश्तेदार नातेदार और सब कुछ। और फिर अचानक ये क्या देख रहा हूं, वहां तो वो एक भी नहीं बचा, वो सबके सब समाप्त हो गए। कल्पना कीजिए। अभी कल एक समाचार सुना कि विवाह के लिए खरीदी करके सूरत से वापस जाते हुए एक परिवार के जो 5 सदस्य थे, वो 5 के 5 कार के एक्सीडेंट में चले। आप नित्य प्रति इस प्रकार के बहुत सारे समाचार सुनते रहते हैं, लेकिन क्या गौतम बुद्ध की तरह इनमें से कोई समाचार हमें पीड़ित करता है, या वो कभी हमारे अंदर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि ये सिर्फ इसके साथ नहीं हुआ है, ये तो सत्य किसी के साथ भी घटित हो सकता है। और अगर हम इस सत्य को समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते तो आज महाकवि भर्तृहरि समझा रहे हैं कि भैया जो घर भरा पूरा था उसमें अकेला रह गया, जो अकेला था व्यक्ति उसका घर परिवार पूरा भर गया, लेकिन ये क्या, आज तो उस घर में एक व्यक्ति भी नहीं है। यही इस संसार का सत्य है, समय जो है ना वो खेल खेलता है, दिन और रात रूपी पासे हैं, और मृत्यु जो है ना
काल्या सह, और ऐसे ऐसे दाव पेच लगाता है, ऐसी ऐसी घटनाएं घटित करता है। कभी भूकंप आएगा, कभी कोरोना आएगा, कभी व्हीकल का एक्सीडेंट होगा, और कुछ नहीं तो यूक्रेन में जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है, जिनमें जो लोग मर रहे हैं उनकी तो कोई गलती ही नहीं है। उन्होंने कहां कहा था कि आप ऐसा कीजिए, लेकिन फिर भी उनको उसका भोग बनना। तो संसार का तो सत्य भैया यही है, हम भले इंतजाम वर्षों का करें, लेकिन उस इंतजाम को भोगने के लिए हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे हमें पता नहीं होता है। लेकिन जो मौत महबूबा है अपने साथ लेके जाएगी, जिसने भी ये पंक्तियां लेकिन बड़ी सुंदर हैं, अगर ये बात हम याद रखें तो हमें जीवन में क्या करना चाहिए इसकी शुभ प्रेरणा मिलेगी। हम श्रेष्ठ कार्य ही करेंगे, हम उत्तम कार्य ही करेंगे, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हम ये कोई काम करते हैं तो अपनी तैयारी के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। स्वार्थ से बचिए और ये समझ के चलिए कि संसार में जो आया है उसको जाना है। जब जाओगे खाली हाथ जाओगे भैया, आए थे तो कहते मुट्ठी बांध के आए थे, और जाएंगे तो हाथ पसारे जाना है। अगर खाली हाथ जाना है ना, तो पहले से उस बैंक में बैलेंस भेज दो, जिससे कि वहां जाके कोई समस्या ना हो। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के वीडियो सुनिए, आपको पता चलेगा कि जो लोग नहीं करते हैं इस संसार में श्रेष्ठ कार्य, मृत्यु के उपरांत उनकी क्या दशा होती है। तो भैया मैं तो यही कहूंगा कि जब तक है दम में दम, तब तक हम करेंगे परोपकार, हम दूसरों के लिए जिएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम जीना बंद कर देंगे, हम तो जिएंगे, लेकिन दूसरे की भलाई में हमें आनंद आएगा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिएंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।